स्वागत करती हूँ आपका SPN 9 न्यूज के बेहद ही खास प्रोग्राम में। आप जैसे जानते हैं लगातार बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कठुआ कांड पे बड़े ही अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। कहीं हेमा मालिनी ये कहती है कि इसको पब्लिसिटी मिल रही है, कहीं संतोष गंगवार ये कहते हैं कि 1-2 रेप होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पर कुछ उनके बीजेपी नेता छोटे मोटे नेता हो गए, MLCs हो गए, वो ये कहते हैं कि रेप कोई बड़ी घटना नहीं है। देश में इस समय जहां आए दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ जघन्य अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने देश में बढ़ते जघन्य अपराध पर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसी गंदी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, जिसे कभी कभी रोका नहीं जा सकता। गंगवार का कहना है कि उन्नाव और कठुआ कांड भारत जैसे बड़े देश में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 21 अप्रैल को ये बात उत्तर प्रदेश के बरेली में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को कभी कभी रोका नहीं जा सकता, फिर भी सरकार हर जगह तत्परता से सक्रिय है और बखूबी अपना काम कर रही है। बता दें कि नाबालिगों के इस अपराध के मामले का विरोध केवल देश में नहीं बल्कि विदेश तक पहुँच चुका है और इसी कड़ी में पूरी दुनिया ने 600 से ज्यादा बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, छात्रों और शोधार्थियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर भी लिखा है, जिसमें कठुआ और उन्नाव मामलों पर अपना दुख जताया है और केंद्र सरकार को इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ऐसे वक्त में मोदी सरकार के मंत्री के ऐसा बयान से साफ हो गया कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शर्म आती है। अब मैं आपको बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है कि फांसी से नहीं रुकेगी रेप की घटनाएं, फांसी से नहीं रुकेंगी रेप की घटनाएं। बहुत कहना क्या चाह रही हैं वो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही एक तो लोगों को उम्मीद थी कुछ इस पे ऐसी पनिशमेंट हो कि लोग याद रखें। अब जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो अब वहीं पर लोकसभा अध्यक्ष ये कहती हैं कि फांसी से नहीं रुकेंगी घटनाएं। कहीं ना कहीं उनका ये कहना लोगों को सोच में डाल देता है। मैं अब आपको पूरा बयान सुनाती हूँ। बच्चियों के साथ रेप करने वालों को अब फांसी की सजा मिलेगी। इस फैसले पर जहां लोगों के बीच इंसाफ की एक आस जगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में ऐसी प्रतिक्रिया आ रही हैं। हर कोई इस मामले को लेकर गंभीर से गंभीर प्रतिक्रिया दे रहा है। इन सब के बीच लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, महाजन ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से ही मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, राष्ट्रपति ने मंजूरी के बाद पूरे देश में बच्चियों के साथ रेप करने वाले लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान हो चुका है। इस नियम के अंदर भी कई तरह के नियम देखने को मिले हैं। जी हाँ, POSCO एक्ट में संशोधन जरूर हुआ है, लेकिन इसके तहत हर रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए कई तरह के प्रावधान बनाए गए हैं। आपको बता दें कि POSCO एक्ट के तहत फांसी की सज़ा का ऐलान ज़रूर हुआ है, लेकिन ये सज़ा फांसी से लेकर आखिरी सांस तक है, यानी अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह की सजाएं दी गई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, रेप का पैमाना सज़ा से समझ नहीं आया मुझे कि रेप कितना बड़ा है या किन बच्चियों के साथ है। क्या अगर मान लीजिए 12 साल तक की बच्चियों, कम उम्र की बच्चियों को आप दे रहे हैं फांसी की सज़ा, अगर 12 साल 1 महीने की बच्ची हुई तो आप उसको किस कैटेगरी में गिनेंगे? बहुत मतलब अजीबोगरीब एक ऐसा कानून है, कानून पास किया है कि 12 साल तक की बच्चियों के लिए ये है, 16 साल 18 साल, मतलब नहीं समझ आया। रेप तो रेप होता है, चाहे बच्चियों के साथ हो चाहे बड़ों के साथ हो। इसलिए कानून जो होगा, जो अगर हमारे अभी गवर्नमेंट ने लॉ ऐसा बनाया है, तो उसके लिए उसको सबके लिए सही मानिए ना। आगे सुमित्रा महाजन ने कहा कि समाज से रेप, फांसी या सख्त कानून से नहीं खत्म होगा, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। जी हाँ, महाजन ने एक कार्यक्रम में कहा कि सख्त कानून से रेप खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मानसिकता की दरिंदगी है और मानसिक दरिंदगी कानून से नहीं बल्कि सुधार से बाहर फेंकी जा सकती है। महाजन ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक समाज इसके खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ेगा। इशारों में महाजन ने ये भी कहा कि ये सारी घटनाएं तब से शुरू हुई हैं जब से समाज में बिखराव हुआ है। मतलब ये कहना चाहती हैं कि समाज जब बिखरा है, यानी हर समुदाय, हर सांप्रदायिक के लोग अलग अलग हुए हैं, तब जाके रेप की घटनाएं घटी हैं। और कहा जाता है कि अगर रेप की घटना घटती है तो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि भैया उनके समुदाय ने ऐसा कहा था इसलिए हमने कर दिया, उनको सिखाने के लिए हमने कर दिया। हाल ही में कठुआ कांड में उनको ज़मीन चाहिए थी तो इसीलिए उन्होंने ज़मीन के खातिर उनको दर्शाने के लिए कि देख लो हमें कितनी ताकत है, उस छोटे से समुदाय को उन्होंने वहाँ से निकाल, मतलब समझ सकते हैं आप। मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि इस एक्ट को लेकर देश भर में काफ़ी खुशी की लहर है। कठुआ मामले को लेकर देश भर में उठी मांग को सरकार ने भले ही पूरी तरह दिया हो, लेकिन आज भी सवाल नहीं वही खड़े होते हैं कि क्या बच्चियों को इन अत्याचारों से बचाया जा सकता है या फिर लोकसभा के अध्यक्ष का बयान सही साबित हो जाएगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। जी हाँ, देखिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बयान जो दिया है उसमें ये बोला है कि फांसी की सजा नहीं, हमें मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है। अब आप इस देखिए, मानसिकता जो होती है वो अपने आप से ही सुधारी जाती है। ये नहीं कि आपको कोई फोर्सफुली बोले कि नहीं भाई अपनी मानसिकता सुधारो, ऐसा नहीं होता। देखिए बहुत ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन हाँ इतने कहूँगी कि 95% जो रेप केसेस होते हैं, आप कभी उनकी पैरवी में जाइए तो आपके कानों से, आपकी आँखों से मतलब ऐसा होगा कि सन रह गए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। लड़कियों से इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको कहाँ छुआ, बताइए आपको ये, उनके माँ बाप के सामने अगर बैठे हों तो उनके माँ बाप के सामने ऐसी बातें, सोचिए लड़कियाँ कितनी अनकंफर्टेबल होंगी। लेकिन बावजूद इसके सुमित्रा महाजन ये कह रही हैं कि रेप की सज़ा फांसी नहीं होनी चाहिए। आप बताइए सुमित्रा महाजन जी, फिर रेप की सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए हम तो ये कहेंगे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे वो रेप हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, चाहे वो अवॉइडनेस हो। रेप तो रेप होता है, चाहे वो बच्ची का हो, महिला का हो, किसी का भी हो। सुमित्रा महाजन का ये बयान काफ़ी, मैं ये हो सकता है काफ़ी इस पर आलोचना आए, काफ़ी आलोचनात्मक मतलब तरीके से इसको दर्शाया गया, इसको विपक्ष उसको भुनाए, लेकिन बयान ना सही है ना गलत है। अगर देखिए अगर इनको प्रूफ हो जाता है तो ये बयान तभी भी ये सही है कि अगर प्रूफ हो जाता है कि वो दोषी हैं, कि लेकिन फांसी की सज़ा, मुझे ऐसा लगता है कि फांसी की सज़ा देनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी लोगों को सबक मिलेगा, तभी लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ कि अगर ये चीज़ घटना करेंगे तो हमें ऐसी सज़ा मिलेगी। और जिनकी रही मानसिकता की बात, मानसिकता तो ऐसी होती है कि आपको अपने आप ही सुधारनी होगी, अपने आप ही चीज़ें करनी होंगी। बस मैं आपसे यही कामना करना चाहती हूँ, यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे सुमित्रा महाजन का ये बयान आया कि फांसी की सज़ा, आप भी हमें बताइए क्या फांसी की सज़ा देनी चाहिए उन आरोपियों को या नहीं? आपके हिसाब से क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगी, सारी मैंने आपको अपडेट्स दी, बस एक अपडेट यही देना चाहूँगी कि सुमित्रा महाजन का ऐसा बयान कि फांसी नहीं देनी चाहिए, फांसी से हमारी मानसिकता नहीं सुधर सकती, और वो बात कहीं ना कहीं सही है। धन्यवाद। 8 मिनट का हो गया ना।